नहीं, ये क्लियर है, ये मेरी बात नहीं है, ये तमाम जो 26 करोड़ मुसलमान रहते हैं हिंदुस्तान में, उनका ये बिल्कुल क्लियर उसमें एक पक्ष लिया है, एक नज़रिया है। और क्यों ना हो, हमारे मज़हब में हदीस मुबारक में ये कहा गया है कि एक औरत क्या ड्रेस करे, कैसे चले, उसमें हिजाब है। अभी कोई इसके अलग नहीं करेगा, लेकिन इस्लाम को बीच में मत लाए कि इस्लाम में नहीं है, ये हमारा फंडामेंटल राइट है, इस्लाम की एक बात है, वो तो हमारा फर्ज है एज ए मुस्लिम, हम उसको उस पर चलें। दूसरी बात यह है कि हम हिंदुस्तान के नागरिक हैं, हिंदुस्तान नागरिक होने के नाते जो हमारे इख्तियारात हैं, जो हमारी फंडामेंटल राइट्स हैं, उनको अगर ये उनकी खिलाफ वर्जी है कि आप कह रहे हैं ये नहीं लगाए, तो कोई थोप रहा है ये लगा, ये कैसे हो सकता है? आपको आईन ने ये आज़ादी दी है, आप क्या खाओगे, आपको पियोगे पियोगे, आप कहाँ जाओगे, आपका ड्रेस क्या होगा, आपकी तालीम क्या है, ये सारी चीज़ें वाजह की गई है कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारे मुल्क के कॉन्स्टिट्यूशन में ये है। अगर अब कोई कॉन्स्टिट्यूशन को चैलेंज करता है, कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ फैसला देता है, वो तो दूसरी बात है, उसमें वो जाएंगे, उनसे कुछ नहीं होगा, इसे वो ताकतें शर्मसार होंगी जो ऐसे छोटे छोटे चीज़ों पे अपनी सियासत को गरमाना चाहते हैं, अब पॉलिटिकल अपनी पॉलिटिकल माइलेज देना चाहते हैं, लेकिन जो हकीकत है वो हकीकत है, उसमें कोई तब्दीली नहीं आएगी। ये इशू वक्त के साथ किसी सिचुएशन को लेकर ये रेज होते हैं ताकि इससे किसी को फ़ायदा मिले, लेकिन हकीकत ये है कि हिजाब है, और हिजाब कोई ज़बरदस्ती नहीं है, कोई हिजाब नहीं डालेगा वो दूसरी बात है, लेकिन हिजाब है। जा आज हिंदुस्तान के हर स्टेट में हमारी बच्चियाँ जा रहे हैं, बहनें जा रही हैं, पढ़ रहे हैं, उनका हिजाब किसी ने कोई ऑब्जेक्शन नहीं की, ये कर्नाटका में क्यों हुआ? यही बात है, दिक्कत यह है कि यहाँ के मुसलमानों ने हमेशा माइनॉरिटी को प्रोटेक्ट किया। 47 में जब कबायली आ गए, उस वक्त यहाँ के मुसलमान नकली बंदूक हच बंदूक किसने बना, सुनहरा इनकी प्रोटेक्शन की। शेर कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला ने जब एक कश्मीरी पंडित बहन मर गई तो उसको लेकर शमशान भूमि गए, अपने हाथ में लिया, उसके सारे रसूमात किए, मास्टर शेरवानी, मास्टर अब्दुल अजीज, मास्टर शेरवानी गोली खाई, लेकिन मैदान के जो लोग थे उनको बचाया। हमें किसी की सबक की वाज पढ़ने की जरूरत नहीं है कि हमें को क्या करना है, बाकी फिल्म तो फिल्म है, ये लोगों का कारोबार है, अपने कारोबार चमकने के लिए, इसको एक इशू बनाने के लिए, वो तमाम हिंदुस्तान में ये मैसेज दें, इस फिल्म को देखें ताकि एक दीवार पैदा की जाए हिंदुस्तान और हिंदू और मुसलमान भाइयों के दरमियान, उनके इतिहाद के दरमियान, इस चीज़ को देखना उनका काम है, क्या उनके साथ हैं। कश्मीरी पंडित यहाँ के कल्चर का हिस्सा है, यहाँ के इतिहास का हिस्सा है, उसने काम किया है, उससे वो बड़े ज्ञानी लोग थे, मुसलमान जाते थे उनके पास ज्ञान हासिल करने के लिए, एक रिच हिस्ट्री है, एक बहुत ही बहुत स्ट्रांग हिस्ट्री है, इस इतिहास को हमेशा कायम रखा गया, तो बावजूद ही कितने मुश्किल आ गए, आज वो ताकतें फिर अपना सर उभर रही हैं कि एक दीवार पैदा की जाए, वो उनका काम है, हम अपना काम करेंगे।